कि वहाँ पे वो आपको चीज़ें चीप तो दे रहे हैं बट देन क्वालिटी इज ऑल्सो मिनिमाइज हाई गाइज आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल माई नेम इज़ सिमरन सो बेसिकली आज का वीडियो इज गोइंग टू बी अ अटल डिफरेंट बिकॉज बहुत सारे लोग मुझसे कॉमेंट्स में कहते हैं कि सिमरन मीशो से बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान नहीं आता है आप लोग ऑर्डर करते हो तो अच्छा आता है हम लोग ऑर्डर करते हैं तो अच्छा नहीं आता बहुत चीप चीज़ें आती हैं सो आई जस्ट वॉन्टेड टू से दैट प्योरली डिपेंड्स अपॉन हाउ मच मनी यू हैव इन्वेस्टेड ऑन द प्रोडक्ट लाइक like, अगर आप कोई अस्सी रुपए सौ रुपए का प्रोडक्ट मंगाएंगे यू कंट एक्सपेक्ट अ ग्रेट क्वालिटी फ्रॉम दैट सो दैट वॉट हैपन ऑन मीशो की वहां पे वो आपको चीजें चीप तो दे रहे हैं बट देन क्वालिटी इज ऑल्सो मिनिमाइज सो लाइक आई थिंक इट्स अ कॉमन सेंस कि जब भी आपको कुछ बहुत सस्ता मिल रहा है सो यू कान ट्रस्ट ऑन दैट कि वो बहुत अच्छा आएगा सो दैट इज़ द मेटेलिटी दैट यू हैव टू कीप इन माइंड वेल शॉपिंग फ्रॉम मीशो सो दैट्स वाई आई वॉट दिस लाइक अ ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम मीशो वेडियो इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स मेरे पास कई सालों से हैं आई हैव यूज दैम ट्वाइस थ्राइज फोर टाइम्स होता कितनी बार मैंने एन नंबर ऑफ टाइम्स इन प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है सो दैट्स वाई आई कैन शेयर क्लियर एंड ऑनस्ट रिव्यू विद यू गाइज कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं विच आर ऑफ ग्रेट ग्रेट क्वालिटी इनमें से कुछ थोड़े से लाइक थाउजेंड के लगभग के हैं कुछ बहुत इन हैं तो मैंने इस तरीके से कैटेगराइज किया चीजों को मैंने वही चीजें चूज की हैं जो कि बहुत टाइम से मैं यूज कर रही हूं एंड आई कैन फुल ट्रस्ट ऑन दै एंड इज वन ऑफ द बेस्ट बाइज फ्रॉम मीशो सो दैट्स वाई आई जस्ट वॉन्ट टू डू दिस वीडियो फॉर यू गाइज तो बेसिकली मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए कर रही हूँ जिनके मन में बहुत ज्यादा आशंका रहती है वेन्यू शॉप फ्रॉम मीशो आई हैव फुटवेयर एंड ज्वलरी फॉर यू मोरबाउट क्लोदिंग तो वो हम किसी और वीडियोज में बांट करेंगे बिकॉज आई हैव फ्यू सारीज एंड आई हैव लाइक आफ्टर वॉश रिव्यू एज वेल फ्रॉम मीशो तो उसका हम एक अलग ही सेगमेंट रखेंगे पूरा सारीज का बट दिस इज गोइंग टू बी ज्वेलरी एंड फुटवेयर सो बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर द आटफुट दैट आई एम वेरिंग आई ऑल्सो बॉट दिस कुर्ता फ्रॉम मीशो एंड इट इज ऑफ ग्रेट कॉलिट इज अ वेरी सॉफ्ट रे ऑन कुर्ता मैंने इसको कई बार धो लिया है कई बार पहन लिया है बहुत सारे ट्रिप्स पर मैं इसको पहन चुकी हूं तो दिस इज लाइक अ रिलायबल पीस एंड ये काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा मैं इसका स्क्रीनशॉट साइड में लगा दूंगी साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको दे भी दूंगी लिंक इट इज अ वेरी प्रिटी कुर्ता तो इसमें नीचे इस तरीके का मरून कलर है आई लव द शेड जिस तरीके से ये ऊपर से प्रिंटेड और नीचे एकदम प्लेन है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है आई लव द कट ऑन द नेक बहुत ही ज़्यादा प्यारा है एंड इट्स वेरी वेरी कम्फर्टेबल तो ये एक बहुत ही क्लासी पीस है विच लुक्स वेरी एलिगेंट फॉर डेली वेयर आपको कोई वेकेशन पर जाना उसके लिए बहुत अच्छा है इस कुर्ते में पिक्चर्स बहुत अच्छे आते हैं सो दिस इज़ लाइक अ वेरी नाइस एंड

एंड द पैटर्न इज स्टिल इंटैक्ट एक भी मोती और एक भी स्टोन इसमें से नहीं निकला है स्पेशली आई लव द कलर दो क्वालिटी इज सो नाइस की कलर भी नहीं गया है एंड इसकी क्वालिटी वैसे भी बहुत अच्छी है कि इस बिल्कुल नहीं टूटा है साइड से कहीं से भी एंड पीछे इसका थ्रेड भी एकदम इंटैक्ट है सो दिस इज़ द नेकलेस दैट आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू दिस इज अ पी दट यू कैन एक्चुअली स्टाइल विद लॉट ऑफ योर कॉटन सारीज़ या फिर बहुत सारे ऐसे आउटफिट जिनके साथ आप सिल्वर ज्वेलरी पहनना चाहते हैं इट इज़ गोइंग टू लुक परफेक्ट बिकॉज इट हैज़ दिस परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सिल्वर और मुझे बहुत बहुत सुंदर लगता है आई लव द ईयरिंग्स एज वेल इन्हें आप अलग से भी किसी चीज़ के साथ पहन सकते हो एंड ऑब्वियसली नेकलेस के साथ तो ये बहुत अच्छे से जाते ही हैं सो दिस वन आई डेफिनेटली डेफिनेटली रिकमेंड यू द क्वालिटी इज टेन ऑन टेन लुक एट द बैक इतनी अच्छी क्वालिटी मुझे आज तक किसी सिल्वर ज्वेलरी में नहीं मिली मैं इट कम्स टू सिल्वर ज्वेलरी ना वो बहुत सस्ती आती है और hmm. उसके जो कुंदे होते हैं ना वो निकल कर भाग जाते हैं बट इट हैज दिस काइंड ऑफ लाइक ये आप जब जो दरवाजे में देखते हैं ना बिल्कुल वैसा वाला है एंड इट इज ऑफ अमेजिंग अमेजिंग क्वालिटी अनादर पीस एम बी टॉकिंग अबाउट इज बिट एक्सपेंसिव बट अगेन द क्वालिटी एंड द स्टाइल इज वेरी नाइस अगर मैं किसी और वेबसाइट से कंपेयर करूँ ना तो ये मुझे बहुत सस्ते में मीशो से मिल गया था अगर मैं किसी और वेबसाइट पे जाऊँगी तो दो हज़ार पच्चीस सौ से नीचे मुझे ये नेकलेस नहीं मिलेगा आई वॉट दिस ब्यूटिफुल ब्यूटीफुल रेड नेकलेस ये फोटो में मरू दिखा रहा था लेकिन ये रेड आया है मैं पहले वीडियो में दिखा चुकी हूँ हमारा नेकलेस तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है पहनने के बाद एंड दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक सो इट्स अ वेरी प्रिटी रेड कलर और ये बहुत सारे आउटफिट के साथ आप आराम से मैच करके पहन सकते हो इट इज़ गोइंग टू लुक वेरी प्रिटी आप पास इसका वर्क देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर है आई रियली लव ये जो इसमें कट आ रहा है ना ऊपर यहाँ पे स्टोन के ऊपर और ये फिर इसमें इस तरीके से आ रहा है बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है एंड इट कम्स विद दीज मैचिंग ईयर रिंग्स आपके साथ जाओ तो कोई छोटे ईयर रिंग्स पहन सकते हो बट इट कम्स विद दीज जो कि आप अलग से भी स्टाइल कर सकते हैं अगेन द क्वालिटी ऑफ ईयर रिंग्स इज सेम एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा शाइनी और क्लासी पीस है इट ऑल्सो हैज मांग टिक ऑफ दिस काइंड अगर आप चाहो तो ये भी कैरी कर सकते हैं बट मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगता है ये वाला पीस आई रियली लव द नेकलेस एंड द ईयर रिंग्स एंड इट इज़ ऑफ हाई क्वालिटी लेट मीस शो यू फ्राम द बैग बिकॉज बैग से ही इसलिए पता चलती है सो दैट इज द बैक पोर्शन आप चाहो तो ऐसे भी पहन सकते हो कलरफुल बट मुझे इधर से ही बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है द शाइन एंड एवरीथिंग इज सो नाइस सो दिस इज समथिंग दट आई डेफिनेटली डेफिनेटली रिकमेंड यू अगर आप वेडिंग के लिए कुछ शॉपिंग करना चाहते हैं गो फॉर दिस वन एक सही रेंज में आपको एक हाई क्वालिटी का हैवी नेकलेस मिल रहा है अनदर हैवी नेकलेस दर आई बॉट फ्रॉम मीशो इज दिस वेरी ब्यूटिफुल ब्लू कलर नेकलेस जो कि मैंने अपनी नन की एंगेजमेंट पे पहना था आई दिस वॉन्ट इट क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं इसके बारे में सो इट्स अ वेरी नाइस नेकलेस इट हैज कुंदन के बड़े बड़े मोटिव्स ऊपर और नीचे ब्लू कलर की डिटेलिंग है इट लुक्स वेरी वेरी प्रिटी वैन वेर इट गिवस यू वेरी रॉयल एंड क्लासी वाइब तो ये वाला नेकलेस भी मुझे बहुत सुंदर लगता है इसकी जो बीड्स की क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है आज तक इसमें से कोई बीड भी नहीं निकला है एंड दिस इज द बैक पोशन दैट्स हाउ द नेकलेस लुक्स लाइक सो दिस वन यू शूड डेफिनेटली ट्राई अगर आपको कुछ ब्लू में चाहिए बिकॉज ब्लू और ग्रीन कलर की जुमरी ना किसी भी आउटफिट पर चल जाती है और बहुत क्लासी लगती है देखने में इट कम्स विद दीज मैचिंग ईयर रिंग्स जो कि बहुत सुंदर से हैं बिल्कुल बेसिक्स हैं जैसे कि नेकलेस में से ही बनाए हैं लेकिन बहुत प्यारे लगते हैं उसके साथ पहनने के बाद आप चाहो तो कोई छोटे ईयरिंग्स भी पहन सकते हैं क्योंकि आजकल इस तरीके के हेवी नेकलेस पे सिंपल राउंड ईयरिंग्स छोटे वाले कुंदन के ज़्यादा अच्छे लगते हैं नेक्स्ट पीस फ्रॉम मीशो इज अगेन वेरी स्टाइलिश एंड क्लासी इट इज दिस ब्यूटिफुल नेकलेस जिसमें इस तरीके का डिज़ाइन दिया गया है बीच में दो तो कुंदन के फ्लावर्स हैं उसके अलावा बहुत ही ब्यूटिफुल से शाइनी से कलरफुल बीच दिए गए हैं विद पर्ल्स एंड कुंदन लुक हाउ क्लासी दिस नेकलेस लुक्स इट्स अ कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ रॉयल नेकलेस तो ये मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहती हूँ अरे कौन है मम्मी की पास जो मम्मी के पास इस बच्चे को कैमरे के सामने बिठा दो ये एकदम खुश हो जाती है अच्छा तो हम नेकलेस के बारे में बात कर रहे थे तो इट्स अ वेरी नाइस नेकलेस जिसमें बहुत ही सुंदर सा काम दिया गया है एंड इसमें मल्टीपल कलर्स हैं पेस्टल ग्रीन है ब्लू है पिंक है तो ये आपके बहुत सारे आउटफिट के साथ जाएगा और बहुत ही सुंदर लगेगा है ना लगेगा ना सुंदर दिखा दो बाबा इसको ट्राई ऑन तो रूरू ने कर लिया है इसके साथ कोई ईयरिंग्स नहीं आते इट्स अ सिंगल सिंगल नेकलेस बट इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है एंड इट लुक्स वेरी प्रिटी एंड क्लासी मेरे पास एक और नेकलेस है बट अभी मैंने चेक किया कि वो स्टॉक आउट हो चुका है तो उसको दिखाने का कोई मतलब नहीं है बट यू नो दिखा देती हूँ कोई बात नहीं आई रियली लाइक दिस वन और मैं इसे बहुत सारी कॉटन साड़ी के साथ स्टाइल करती हूँ जनरली स्पेशली येलो के साथ ना मुझे ये काफ़ी पसंद है तो ये एक बहुत ही प्यारा सा ब्लू कलर का नेकलेस है विच आई बॉट लाइक थ्री ईयर्स बैक और बहुत सुंदर है अभी अवेलेबल नहीं है बट ये काफ़ी अच्छा और यूनिक लगता है पहनने के बाद सो so, इसके बारे में बात करने का को कोई पॉइंट नहीं है बिकॉज दिस इज़ नॉट अवेलेबल यू गाइज कांट बाय इट इसका कोई कोड नहीं है मेरे पास तो इट। लास्ट पीजर हम उन्होंने भी बी शोइंग यू आर फुटवेयर आई दीज अ फुटवेयर ये मैंने तीन चार महीने पहले ख़रीदे थे देर ऑफ़ गुड क्वालिटी ये मैंने ज़्यादा नहीं पहने हैं अभी अभी लाइक एक दो बार ही पहने हैं बट आई रियली लव द डिज़ाइन ऑन द फ्रंट ये मुझे काफ़ी जोमेट्रिक इजिप्शन डिज़ाइन की याद दिलाता है दैट्स हाउ दे लुस लाइक और बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा डिज़ाइन है अंदर इसमें ब्लैक इस तरीके का है देखो वैन इट कम्स टू कम्फर्ट ये अमेजिंगली कम्फर्ट नहीं हो सकते जस्ट लाइक पूमा और बड़े बड़े ब्रांड्स के शू को अगर आप इनसे कंपेयर करोगे दे आर नॉट गोइंग टू बी दट कम्फर्टेबल बट ये लाइक ठीक ठाक कम्फर्ट है आप आराम से चल पाओगे इनमें बट बहुत अमेजिंग नहीं है कि मतलब ऐसे फील हो कि कुछ पहना ही नहीं है ऐसा नहीं होता है इनमें तो बहुत ही सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी है गोल्डन कलर की ब्लैक पे एंड दिस इज द पैर ऑफ़ शू ये जो है ना थोड़ा जुत्ती पैटर्न में है तो ये आपकी जीन्स वगैरह के साथ भी चलता है इनफैक्ट ये आप अपने सूट्स uh, वगैरह के साथ भी पहनेंगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा सो दैट्स इट फॉर टू डेज वीडियो एंड आज मुझे शाम को एक संगीत फंक्शन में जाना है सो आई एम थिंकिंग कि मैं क्या पहनकर जाऊँ तो आज मैं शाम को जब रेडी हूँ तो डेफिनेटली वीडियो शूट करूँगी आप लोगों के लिए सो स्टे टून फॉर दैट नाव लेजस को और मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ टिल देन टेक केयर बाय बाय माई नेक्स्ट वन और बाकी सबके जो कोड uh, हैं और प्राइस डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगी यू कैन जस्ट टाइप दैट कोड ऑन मिशन यूल फाइंड द प्रोडक्ट अदर देन दैट डोंट वगेट टू सब्सक्राइब एंड बाय 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 बायो बाय कर दो तो बाय वो बाय भैया शो क्यों होती है इसका बिल्कुल मन नहीं बाय करने का बाय कर दो तो। बाय बाय मम्मा